सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एंड बेसिक कुछ अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में बताने वाला जो कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है। तो अगर आप लोग के सारे अपडेट में से कोई भी लीक मिस नहीं करना चाहते तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल पर नहीं आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पे सबसे पहला अपडेट होने वाला है गाइस ओरियन को लेकर। तो जी हां भाई, यहां पे ओरियन कैरेक्टर की स्पेशल एक क्रेडिट इवेंट आने वाला है जहां पे आप लोग इसका एबिलिटी मिलने वाला है, मतलब एबिलिटी स्किल स्किन, और ये देखने में बहुत ही कमाल का है। तो आप लोग को बहुत जल्दी कुछ इस टाइप का फेरेट व्हील इवेंट के अंदर गाइस आप लोग को ओरियन कैरेक्टर के स्पेशल स्किल स्किन का इवेंट देखने को मिलेगा। तो कौन कौन इसको निकलना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस इसको निकलने के लिए कम से कम 1000 डायमंड लगने वाला है, उसके बाद ही जाके आप लोग इसको निकल पाओगे। और नहीं तो आपका लक अच्छा रहा तो बहुत ही सस्ते पे भी निकल सकता है। और जो लोग यहाँ पे ओरियन कैरेक्टर लेके खेलते उन लोग लिए तो भाई बहुत ही कमाल का होने वाला है स्किल स्किन। एंड चलो अभी बढ़ते हमारे अगले अपडेट की तरफ जो का मिस्टिक और आइटम्स को लेकर। तो सबसे पहले कैसे यहाँ पे जो आप लोग लक रॉयल इवेंट देख पा रहे हो ये आने वाले 21 अक्टूबर को। तो जी हाँ भाई, इसी अक्टूबर महीने की 21 तारीख को मिस्टिक और थीम पे जो आप लोग इमोट देख पा रहे हो इसका इवेंट आ जाएगा। और ये अनलिमिटेड टाइम तक चलने वाला इमोट है, मतलब फ्लोटिंग इमोट है। तो आप लोग इसको यूज करके सामने की तरफ चल पाओगे। और इसके अंदर 2 और भी रिवॉर्ड रहने वाले, अभी तक वो सब कन्फर्म नहीं हुआ। तो ये जो इवेंट है भाई आप लोग को 21 अक्टूबर मतलब 21 अक्टूबर को इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वे के लिए देखने को मिलेगा। अगर निकलना चाहते तो डायमंड वगैरह तैयार रखना। और गाइस अभी मैं आप लोग को मिस्टिक और थीम पे और एक अपडेट देने वाला हूँ जो गाइस हमारा न्यू शेड बंडल को लेकर। तो गाइस यहाँ पे मिस्टिक और थीम पे भाई आप लोग एक नया सा रिंग इवेंट देखने को मिलेगा जो नवंबर महीने के शुरू में आएगा, मतलब जो पहला हफ्ता होता है ना उस टाइम को ये वाला रिंग इवेंट आने वाला है। और यहाँ पे गाइस आप लोग को ये दोनों बंडल मिल जाएगा, मेल फीमेल का, साथ में पुराने जो गोल्डन शेड के बंडल है गाइस वो भी आप लोग यहाँ पे स्पिन के अंदर मिल सकते हैं, नहीं तो टोकन एक्सचेंज के अंदर मिलने का चांस बहुत ही कम है। अभी फिलहाल इतना श्योर है कि आप लोग को नवंबर महीने के पहले हफ्ते को यहाँ पे गोल्डन शेड मतलब मिस्टिक और थीम पे बेसिस एक नया सा रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। और इनको निकलने के लिए कम से कम 4-5 हजार डायमंड लगने वाला है। सो अगर गाइस आप लोग इनको निकलना चाहते हो और आप लोग के सारे आइटम बहुत ही पसंद है तो भाई आप लोग ट्राई कर सकते हो इनको निकलने के लिए, क्योंकि भाई अभी भी बहुत टाइम बाकी है, तब तक तो आप लोग डायमंड वगैरह कलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद भाई आप लोगों का कमेंट आया था कि नेक्स्ट टॉप इवेंट क्या आएगा, मतलब डिस्काउंट टॉप इवेंट कब आएगा। तो गाइस इस बार पॉसिबिलिटी कि आप लोग को 100% बोनस टॉप इवेंट देखने को मिल सकता है इसी महीने को। जी हाँ भाई, अक्टूबर महीने को दिवाली स्पेशल आप लोग को 100% बोनस टॉप इवेंट देखने को मिल सकता है। और इस इवेंट का पॉसिबल डेट रहने वाले 20 से लेके 25 अक्टूबर के बीच। तो जी हाँ भाई, 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच किसी भी एक दिन आप लोग के वाला टॉप इवेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे गाइस मैक्सिमम 5000 डायमंड तक ही रहने वाला है, मतलब आप लोग अगर 5000 डायमंड टॉप अप करोगे तो आप लोग को 10000 डायमंड मिल जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का एक टॉप इवेंट होने वाला है, इसका कॉन्फर्मेशन बैनर आने दो, फिर गाइस मैं आप लोग को डेट के साथ बाकी का अपडेट दे दूंगा। तो तैयार है ना गाइस इसके लिए। एंड इसके बाद भाई आप लोग का और भी कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे दिवाली कार्निवल इवेंट या लुमिनियस कार्निवल इवेंट कब तक आएगा, क्या इस बार के दिवाली में ये इवेंट आने वाला है। तो देखो गाइस ये वाला इवेंट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जब कोई इवेंट कंफर्म होता है तो उसके 1 महीने पहले नहीं तो 15 दिन पहले इसका इवेंट रेडी हो जाता है। लेकिन मुझे अभी तक भाई यहाँ पे इंडिया सर्वर के लिए दिवाली कार्निवल इवेंट का कोई भी एक्सेस नहीं मिला, लेकिन बांग्लादेश और अदर सर्वर के लिए अभी भी लुमिनियस कार्निवल इवेंट एक्टिव है। तो अभी वेट करते हैं गाइस आने वाले 10 दिन के अंदर शायद इस इवेंट की रेडिंग कोई भी अपडेट आ सकते हैं। अगर मुझे इसकी रेडिंग कोई भी अपडेट मिलेगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूंगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। एंड अभी चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ जो होगा टूनेट अपडेट को लेकर। तो यहाँ पे आज रात 4 बजे के बाद इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए दिवाली रिंग इवेंट आने वाला है, जहाँ पे गाइस आप लोग की मैग्मा बॉन्ड बंडल एक ग्रैंड प्राइज के हिसाब से मिलने वाला है जो देखने में कुछ इस टाइप का है। और आप लोग गाइस इस बंडल को स्पिन करके भी निकल सकते और एक्सचेंज करके भी निकल सकते, और ये मैथिक बंडल है। इसी के साथ में गाइस आप लोग का फेवरेट मैनिक महाराजा बंडल है जो देख पा रहे हो ये भी रिटर्न आने वाला है आज रात 4 बजे के बाद। और आप लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड वगैरह देख पा रहे हो सेम टू सेम ऐसा बैकग्राउंड वगैरह रहने वाला है। साथ में यहाँ पे लाकलावा नाम का एक फार्मास के स्किन भी आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका रेंज डबल प्लस है, रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस और रिलोड स्पीड माइनस है। और इसी के साथ में गाइस आप लोग को लाइटनिंग नाम का एक फेस पेंट का भी स्किन मिलेगा जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा। तो इन 4 आइटम को लेकर आज रात 4 बजे के बाद इंडिया सर्वर के लिए वाला रिंग इवेंट आने वाला है, जहाँ पे आप लोग यूनिवर्सल टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला रिंग इवेंट तो आने वाला है गाइस इंडिया सर्वर के लिए, तो क्या बांग्लादेश सर्वर के लिए ये वाला इवेंट नहीं आएगा? तो आएगा भाई, लेकिन थोड़ा अलग रिवॉर्ड के साथ आएगा। तो गाइस अभी बांग्लादेश और अदर सर्वर के लिए मैग्मा रिंग नाम का ये वाला रिंग इवेंट आने वाला है, जहाँ पे मैग्मा बॉन्ड बंडल ग्रैंड प्राइस रहने वाला है सेम जैसे आप लोगों ने उस पे देखा। साथ में जो ग्रिजली बॉन्ड बंडल देख पा रहे हो ये आप लोग को स्पिन करके निकलना होगा, जो इंडिया सर पे फ्री मिल रहा है। इसी के साथ में गाइस आप लोग को यहाँ पे मैनिक महाराजा बंडल भी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा बांग्लादेश सर्वर पे भी। तो जो लोग इसको निकलना चाहते हो निकल सकते हो। साथ में ब्लैक लावा फार्मास का भी स्किन यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे इंडिया सर्वर पे जो फेस पेंट था वो तो भाई आप लोग को एक्सचेंज स्टोर के अंदर मिल जाएगा, और एक्सचेंज करने के लिए आप लोग यूनिवर्सल टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से टोकन है तो भाई उनको वेस्ट मत करना, सेव करके रख लो। तो आज रात 4 बजे के बाद भाई ये वाला इवेंट आने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे स्पिन वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। अभी चलो
चलो मैं आप लोग को और एक खुशखबरी दे देता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे जो रिंग इवेंट देखा, इसमें इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को यूनिवर्सल रिंग टोकन वाउचर, तो यहाँ पे ये जो आप लोग वाउचर देख पर आप लोग को फ्री में मिलने वाला है, और सिर्फ एक नहीं 10-10 वाउचर आप लोग को फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को 28 अक्टूबर को इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए यहाँ पे ये वाला इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग को सिंपल सा मिशन दिया जाएगा जिनको कम्प्लीट करना होगा, और इनको कम्प्लीट करने के बाद ही गाइस आप लोग रिंग वाउचर मिल जाएगा, जिनसे गाइस आप लोग इस वाला रिंग इवेंट पे स्पिन कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जिनके पास डायमंड नहीं है लेकिन आप लोग भी स्पिन करना चाहते हो, तो फ्री फायर वाले आप लोग को बहुत ही अच्छे खासा मौका देने वाले 28 अक्टूबर को। तो इस मिशन को कम्प्लीट करना, फ्री वाउचर लेके यहाँ पे स्पिन करना, क्या पता आपका एक बंडल निकल जाए। और अभी गाइस चलो मैं आप लोग को और एक अपडेट बता देता हूँ, जो होगा एक रिटर्न आइटम को लेकर, रिटर्न आइटम तो नहीं रिटर्न इवेंट को लेकर। तो यहाँ गाइस आप मॉनसून ओरकी के थीम पे जो आइटम्स देख पा रहे इनको बहुत जल्दी रिटर्न किया जाएगा, अभी मुझे अंदर के सोर्स से यही पता चला है। और इन सब आइटम को गाइस यहाँ पे आप लोग स्पिन करके भी निकाल सकते हो, और ये जो आइटम वगैरह है गाइस ऐसे लक कॉइल टाइप की इवेंट पे आ सकते हैं, और नहीं तो रिंग टाइप की इवेंट पे आ सकते हैं, जहाँ पे मेल फीमेल बंडल और बैकपैक और ग्लोअल का स्किन रहने वाला है। तो अगर आप लोग को मॉनसून ओरकी के थीम पे बेसिस ये सारे आइटम बहुत ही पसंद आता है और आप लोग इनको निकालना चाहते हो बहुत दिनों से, तो वे डायमंड वगैरह इधर उधर वेस्ट ना करके जमा करके रख लो, कुछ ही दिनों के बाद इनका भी इवेंट आ जाएगा। एंड इसके बाद भाई आप लोग का और भी कुछ कॉमेंट आया था कुछ स्कॉर्पियो मास्क को लेकर, तो जी हाँ भाई आपने पूछा था क्या यहाँ पे कोई स्कॉर्प रॉयल आने वाला है। तो देखो भाई अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी स्कॉर्प रॉयल का कोई कॉन्फर्मेशन या अपडेट तो नहीं मिला, लेकिन पॉसिबल है कि इस बार की दिवाली में आप लोग को पुराने कुछ मास्क या स्कॉर्प को लेकर यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट देखने को मिल सकता है। अब ये लक रॉयल टाइप के इवेंट हो सकते, नहीं तो किसी भी एक्सचेंज स्टोर के अंदर आप लोग के रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन ये सारे जो आइटम है गाइस आप लोग को इस बार की दिवाली स्पेशल देखने को मिल सकता है। अभी ये जो अपडेट है गाइस 100% कंफर्म नहीं हुआ, जब मुझे इसके रिलेटिंग कोई भी कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। और अभी चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले और एक अपडेट की तरफ, जो आप लोगों का बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग आइटम है और इवेंट होने वाले गाइस क्रिमिनल बंडल के इवेंट को लेकर। तो जी हां गाइस आप लोगों ने पूछा था क्या इस बार हम लोग को कोई भी क्रिमिनल बंडल रिटर्न देखने को मिलेगा, तो देखो भाई अभी तक तो मुझे कोई कंफर्मेशन के साथ पता नहीं चला इस बार की दिवाली में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना पॉसिबल है कि आप लोग को नवंबर महीने को आप लोगों को भाई बुईआडे स्पेशल ये सारे बंडल रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अभी कोई एक क्रिमिनल बंडल को रिटर्न किया जा सकते, नहीं तो दोनों के दोनों क्रिमिनल बंडल को रिटर्न किया जा सकता है। और अभी मुझे जब तक इसका कोई भी कॉन्फर्मेशन अपडेट या लीक नहीं मिलता है, तब तक गाइस मैं आप लोगों को कोई भी कॉन्फर्मेशन अपडेट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बाद में नहीं आया तो भाई आप लोग मुझे ही पकड़ोगे कि भाई आपने बोला था और आया नहीं। तो इसीलिए जब तक ये कॉन्फर्म नहीं होता तब तक मैं आप लोगों को कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकता। और चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले और एक अपडेट की तरफ, और ये अपडेट होने वाले गाइस स्क्वाड कप इवेंट को लेकर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भाई आप लोग लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करके ये स्क्वाड कप इवेंट का पूरा डिटेल्स में देख सकते हो, और बाकी का और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और इतना ही था हमारा आज का वीडियो।